जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, मैं नीरजा सक्सेना और मैं इस वीडियो में फिर से लेके आई हूँ आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने पिछले 5 साल के बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर्स में से आपके लिए निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन। ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चैम्बर्स। Valve ensure that blood does not flow backward. Both pure and impure blood get mixed in heart. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ब्लड जो है सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ह्यूमन हार्ट में 5 चैम्बर्स हैं। हार्ट में जो वॉल्व्स हैं या जो हमारे वेन में जो वॉल्व्स हैं वो बेसिकली बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। वो देखते हैं कि कहीं भी बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। और फोर्थ ऑप्शन है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों ही हमारे हार्ट में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? द राइट आंसर इज दैट द वॉल्व एंश्योर्स दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द फोर ऑप्शंस आर टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस एनर्जी ओनली इन मसल्स ऑफ ह्यूमन, प्रोड्यूसेस इथेनॉल ऑक्सीजन एंड एनर्जी। नाउ देयर आर फोर ऑप्शन रिगार्डिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बता रहे हैं कि ईस्ट जब फर्मेंटेशन करता है तो वो भी एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। सेकंड ऑप्शन है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। थर्ड ऑप्शन है कि ये ह्यूमन मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है। और फोर्थ है कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस समय इथेनॉल ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये चारों ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर है वो है कि इट टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। इसमें जो हमारा डी आंसर है ये क्लोज है क्योंकि इसमें इथेनॉल और एनर्जी लिखा है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीच में ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये आंसर गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ पे होता है? तो ऐसे तो सारे ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन जो मेजॉरिटी है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन टमाटो। टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ए HCl, बी ऑक्जेलिक एसिड, सी फॉर्मिक एसिड एंड डी इज एसिडिक एसिड। इन चारों में से कौन सा एसिड है जो टमाटो में प्रेजेंट है? द राइट आंसर इज ऑक्जेलिक एसिड। ओके, द राइट आंसर इज ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर एंजाइम्स एंड नेम वन एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम विद फंक्शन। एंजाइम्स क्या हैं और किसी एक आपको एंजाइम का नाम बताना है और उसका फंक्शन बताना है। तो आपको मालूम है कि एंजाइम्स हम किन्हें कहते हैं? एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और ये हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें से कोई भी आपको एक नाम बताना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन करा है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। पेप्सिन इज एंजाइम सीक्रेटेड बाय द स्टमक, इट डाइजेस्ट एंड ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। आपको मालूम है कि पेप्सिन हमारी स्टमक में रिलीज़ होता है और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। आप इसकी जगह कोई भी और एंजाइम मेंशन कर सकते हैं जो हम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द स्टेप्स टू प्रिपेयर
टेम्प्ररी अमाउंट ऑफ लीफ, टेम्प्ररी अमाउंट ऑफ लीफ बनाने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक हेल्दी लीफ लेंगे और उसको हम इस तरह से फोल्ड और पुल करेंगे कि उसके ऊपर से एक पील निकल आए, एक हल्का ट्रांसपेरेंट एक झिल्ली निकल आए। उसके बाद हम उसे 2 से 3 मिनट तक सैफरीन के अंदर रखेंगे। उसके बाद उसे एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर निकालेंगे, उसके ऊपर एक बूंद ग्लिसरीन की डालेंगे, उसे कवर कर देंगे कवर स्लिप से। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना आए, और जो अगर उसके अंदर एक्सेस ग्लिसरीन या एक्सेस स्टेन है उसको हम ब्लॉटिंग पेपर से भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड है टू मेक अ टेम्प्ररी अमाउंट ऑफ लीफ पील। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। आपको मालूम है कि जो डेजर्ट है वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं अगर वो दिन के समय फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके लिए उनको अपने स्टोमेटास को ओपन करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारा पानी का भी लॉस हो जाएगा, और इस कंडीशन में उनके अंदर पानी की कमी हो सकती है। तो ऐसे में डेजर्ट के प्लांट दिन के समय में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब करते, वो रात के समय अपने स्टोमेटास को ओपन करते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर दिन के समय उस एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में टू मेक देयर फूड। इसका मतलब टेक कब करते हैं, व्हेन डू दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ नाइट। ठीक है, तो जरा हम उसमें देख लेते हैं लैंग्वेज में। डेजर्ट प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड यूज इट ड्यूरिंग द डे। This help them prevent water loss by transpiration. During day they keep their stomata closed. दिन के समय वो अपने stomatas को close रखते हैं, okay? अब क्वेश्चन नंबर एट, अब हमारे ये सारे लॉन्ग आंसर्स हैं 5 मार्क्स के, तो हमें 4 स्टेप्स हैं, तो चारों पार्ट्स में हमें इनको आंसर भी करना है। Why is nutrition necessary for human body? न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए? तो आपको मालूम है कि फूड अगर हम नहीं लेंगे, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से जो फूड है वो आगे की तरफ मूव करता है, तो वो मूव करता है एक मोशन की वजह से जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। Why is small intestine in herbivorous animals longer than in carnivores? जो herbivores हैं, that means जो plant eating animals हैं, ये मालूम है ज़्यादातर क्योंकि ये plants ही eat करते हैं, तो इनके जो stomach है या इनका जो intestine है उसमें बहुत सारा cellulose पहुँचता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा एक प्रोटीन है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत देर लगती है, तो इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं बेसिकली हर्बीवोर्स की, वो लॉन्ग होती हैं। क्वेश्चन 4th है इसका 4th पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ़ म्यूकस इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड में से, दैट मीन्स जो स्टमक हमारा ग्लैंड है उसके इनर लाइनिंग में, अगर वो म्यूकस नहीं सिक्रीट करेगा तो क्या होगा? तो आपको मालूम है कि HCl जो है रिलीज़ हो रहा है स्टमक में, और वो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को डैमेज कर सकता है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ही म्यूकस रिलीज़ होता है। तो अगर म्यूकस रिलीज़ नहीं होगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसके रिज़ल्ट से हमारा जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है वो डैमेज हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसके पार्ट्स में हमने कैसे आंसर लिखा है। न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी एज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। 8.2, पेरिस्टाल्सिस कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। 8.3, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स टू डाइजेस्ट सेलुलोज इन प्लांट्स। 8.4, इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड देन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक विल गेट बर्न्ड और डैमेज बाय द एक्शन ऑफ HCl रिलीज इन द स्टमक। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कोई भी 2 कंपोनेंट आपको बताने हैं। तो वैसे तो 4 कंपोनेंट है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है वो बताना है। तो आपको मालूम है कि हमारे लंग्स बेसिकली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो लंग्स से पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट।
तो लेफ़्ट एंट्रियम में जाएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर हार्ट जब उसे पंप करेगा तो वो जाएगा फिर हमारे बॉडी के मसल्स में। थर्ड पार्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जो हमारे हार्ट में हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बीच में भी आपको मालूम है कि वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम करते हैं, बेसिकली जब ब्लड पहले एट्रियम में जाता है तो उससे तो वेंट्रिकल में चला जाता है थ्रू द वॉल्व, लेकिन जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहीं ये जो ब्लड है ये वापस हमारे एट्रियम में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व जो हैं क्लोज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को चेक करते हैं। 9.4, राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन का कोई एक डिफरेंस बताना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंपोजिशन का डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन जब बोर्ड में आया था तो उस समय मैंने करेक्शन के टाइम पे नोट डाउन किया कि कुछ बच्चों ने क्या करा, ये लिख दिया कि जो आर्टरीज़ हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो है इम्प्योर, तो ये उनका पॉइंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन का डिफरेंस पूछा है, तो कंपोजिशन का डिफरेंस आप बता सकते हैं, उनकी थिकनेस का डिफरेंस, उनके वॉल्व का डिफरेंस, जो भी उनको उनकी कंपोजिशन में जो डिफरेंस है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए इनके आंसर को, कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा RBC WBC प्लेटलेट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है, तो मेन आप देख लीजिए लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में, देन इन द बॉडी मसल्स। उसके बाद बॉडी मसल्स उसको यूज़ करेंगी तो ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, तो यहीं तक हमारा जो है हमें शो करना है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। 9.3 है, वॉल्व का क्या काम है, तो बैकवर्ड फ्लो को बेसिकली रोकती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहीं गलती से वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए ये वॉल्व प्रेजेंट है हार्ट में। और जो उसका फोर्थ पॉइंट है कि वेन्स के अंदर जो वॉल्व है, सॉरी ये इसमें गलत लिख दिया है, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि बेसिकली जो हमारे आर्टरी और जो वेन है इनका क्या डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस है कि उसमें वॉल्व प्रेजेंट है किसमें, इन द वेन्स, एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन आर्टरीज। तो वेन्स हैव वॉल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द आर्टरी। ठीक है, मेंशन ये मैंने गलती से आपको पहले पढ़ के बोला गलत है, लेकिन सही है, दोनों में वॉल्व है इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हुआ। तो आप 9.3 में भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वॉल्व है ताकि जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में तो जाए लेकिन वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए। और 9.4 जो है उसमें है कि जो वेन्स हैं उनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट है जबकि आर्टरीज के अंदर वॉल्व नहीं है। 10th क्वेश्चन, डिफाइन एक्सक्रीशन। तो ये तो हम बहुत ही बार आपको मालूम है जनरल क्वेश्चन है, कितनी बार डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उससे छुटकारा पाना, उससे गेट रिड करना। बेसिक हमारी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है हमारी किडनीज की वो नेफ्रॉन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, उसमें तीन चीज़ों को लेवल करना है। फर्स्ट फॉर्म यूरिन, तो यूरिन कौन बना रहा है, किडनी। सेकेंड लॉन्ग ट्यूब दैट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी, कौन है लॉन्ग ट्यूब्स जो कलेक्ट कर रही हैं, दैट आर यूरेटर्स। स्टोर यूरिन अंटिल इट पासिस आउट, स्टोर करके रखता है यूरिन को, वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है साथ के साथ। और इसमें देखो यहाँ हमने मेंशन किया है, एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव थ्रू द बॉडी, नेफ्रॉन इज़ द फिल्टरिंग यूनिट, एंड जो आपके पार्ट्स हैं जो यूरिन फॉर्म कर रहा है दैट इज़ किडनी, जो लॉन्ग ट्यूब है वो यूरेटर है, और जहाँ स्टोर हो रहा है वो है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये डायग्राम जो है आप इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें ए मेंशन करना है आपको, बी सी, ऐसे नहीं कि हमने डायग्राम बनाया और हमने कहीं पे भी लेबल कर दिया, आपको ए बी सी करके जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे ही आपको लेबल करना है। तो ए है किडनी, बी है यूरेटर और सी है यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को पार्ट में आपको बिल्कुल जैसे उसमें पार्ट में पूछा गया है ऐसे ही पार्ट में आपको आंसर करना है। आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स में रखो, टू द पॉइंट लिखो, बहुत लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, तो ये हमने आज
10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लाइफ प्रोसेस के डिस्कस करे, जो हमारे लगभग पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में से मैंने आपके लिए निकाले हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आप लाइफ प्रोसेस के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो पे भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करे। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स और टेबल्स मेंशन करेंगे, तो हम इन 3 वीडियोस के थ्रू अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर सकते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव।